Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Ankita and you're watching me on Ankari Styles. And guys, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मेकअप को लाइक किन किन स्टेप्स को इन्वॉल्व करके आप अपने मेकअप को बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस, ब्यूटिफुल, खूबसूरत बना सकते हैं. ठीक है, सो आज मैं आप लोगों के साथ वो 10 स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ. करके तो नहीं दिखाऊंगी, बट येस मैं आप लोगों के साथ लाइक वर्बली शेयर करने वाली हूँ. ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड. जो स्टेप नंबर 1 है, दैट इज कि आपको अपनी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करना है. ठीक है, सो मेकअप से पहले फर्स्ट हाइड्रेट योर स्किन. ठीक है, सो स्किन को हाइड्रेट करने के लिए आपको एक लाइक अपना जो है प्रॉपर स्किन केयर करें. ठीक है, अब जैसे कि विंटर स्टार्ट हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर स्किन केयर करें, जो क्लेंजिंग करें, उसके बाद टोनर यूज़ करें, देन आप सीरम भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, फॉर द ड्यूई फिनिश के लिए. एंड उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें. ठीक है, एंड इफ़ यू डोंट, अगर आपको लगता है कि मॉइस्चराइज नहीं करना है अपने फेस को, देन आप यूज़ करेंगे प्राइमर. ठीक है, सो ये था हमारा स्टेप नंबर 1, दैट इज़ कि अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है. ठीक है, स्टेप नंबर टू में आता है प्राइमर. ठीक है, सो आपने अपनी स्किन को हाइड्रेट रखा, हाइड्रेट रखने के बाद आपको फेस पे प्राइम करना है, प्राइमर लगाना है. ठीक है, आप किसी भी ब्रांड का प्राइमर ले सकते हैं, नो डाउट. स्टेप नंबर थ्री में आता है कि आपको अपने बेस को फ्लॉलेस बनाने के लिए क्या करना है. ठीक है, सो बेस को फ्लॉलेस बनाने के लिए सबसे पहले आपके लाइक फेस पे जितनी भी ब्लेमिशेस हैं, जितने भी पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, ठीक है, डार्क सर्कल्स हैं, पिंपल्स के निशान हैं, उन सबको कवर अप करना है. ठीक है, सो कवर अप आप किन चीज़ों से कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं कलर करेक्टर्स. ठीक है, या फिर आप एक डार्क बेस की फाउंडेशन लेकर उससे आप कवर अप कर सकते हैं. ठीक है, सो कलर करेक्टर्स में आपके पास कौन सा कलर करेक्टर होना बहुत ज़रूरी है, वो है आपका ऑरेंज शेड वाला कलर करेक्टर. सो ऑरेंज शेड आपके पास ज़रूर होना चाहिए. एंड डार्क बेस के अंदर आप अपने स्किन टोन से 2 टोन डार्क या फिर 1 टोन डार्क, देखिए 2 टोन लेंगे दैट्स वेरी गुड, बट अगर आपके पास 1 टोन डार्क भी है तो वो भी आपके जितने भी पिगमेंटेशंस हैं, जितने भी लाइक डार्क सर्कल्स के निशान हैं, उन सबको कवर अप कर देगा. और आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को भी आपस में मिक्स करके डार्क बेस को और ऑरेंज जो आपके पास करेक्टर है उन दोनों को मिक्स करके आप सबसे पहले तो चीज़ों को हाइड करेंगे, चीज़ों को अच्छे से अपने पिगमेंटेशन को कवर अप करेंगे. ठीक है, जितने भी स्पॉट्स हैं उनको कवर अप करेंगे. ठीक है, अब आता है हमारा स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 में यू हैव टू अप्लाई फाउंडेशन. ठीक है, सो आप जो भी फाउंडेशन आपको चाहिए, इफ़ यू वांट ड्यूई फिनिश, देन आप ड्यूई फाउंडेशन आते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप आप फाउंडेशन ले सकते हैं. फाउंडेशन लिक्विड भी आता है, स्टिक फॉर्म में भी आता है, क्रीमी फाउंडेशन भी आते हैं, ड्यूई फिनिश वाले फाउंडेशन भी आते हैं. सो इट्स अप टू यू, आपको कौन सा फाउंडेशन लगाना है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. अगर आपका स्किन टाइप ड्राई है तो आप ड्यूई फिनिश लुक पे जाएं. ठीक है, अगर आपका स्किन टाइप ऑयली है देन आप मैट फिनिश लुक पे जाएं. ठीक है, अगर आपका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है देन आप दोनों को मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट इफ यू हैव अ नॉर्मल स्किन टाइप देन आप तो कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको लुक कौन सी चाहिए. ठीक है, ड्यूई वाली चाहिए, मैट फिनिश चाहिए, ओके. सो जो हमारा स्टेप नंबर 5 है, दैट इज आप अप्लाई करेंगे कंसीलर. ठीक है, कंसीलर हम बेसिकली अपने चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे हाईलाइटेड एरियाज होते हैं, लाइक अंडरनीथ द आई, ब्रिज ऑफ नोज, क्यूपिड बो, चिन एंड फोरहेड. ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आप जॉ लाइन के जो ऊपर अबव वाली लाइन है उसको लाइक हाईलाइट करते हैं. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से एरियाज हैं जहाँ पे आप हाईलाइटिंग करते हैं. तो इन एरियाज में आप यूज कर सकते हैं कंसीलर. कंसीलर जो होता है वो बेसिकली आपके फाउंडेशन के शेड से 1 टोन लाइट होना चाहिए, 1 टोन और 2 टोन लाइट शेड होना चाहिए. ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि आपको कितनी ज़्यादा लाइटिंग चाहिए. बहुत ज़्यादा लाइट पे आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट टोन पे चले जाओगे तो आपका बेस जो है वो ग्रे हो सकता है, ओके. सो मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट स्टेप.
अब जो हमारा स्टेप नंबर 6 है, दैट इज आपको कॉन्टोर करना है। कॉन्टोर अगर आपको नहीं आता है कैसे करेंगे तो ज़रूर से देख लीजिए मेरी वीडियो, मैंने ऑलरेडी कॉन्टोर के ऊपर वीडियो बना रखी है। मेकअप हैक्स की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से देखें और सीखें, ठीक है, और क्रिएट करें। सो अब हमारी बारी आती है कॉन्टोर करने की। सो कॉन्टोर अकॉर्डिंग टू फेस शेप होता है, आपका फेस शेप क्या है। अगर आपका फेस शेप मेरे जैसा है तो जैसे मैं कॉन्टोर करती हूँ अपनी नॉर्मल वीडियोस में, अपनी नॉर्मल मेकअप ट्यूटोरियल्स में, आप उस तरीके से करेंगे। तो आप जो है अपने फेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को कॉन्टोर करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें आपको दबानी है उसमें आप कॉन्टोर करेंगे, जिन चीज़ों को उठाना है उसमें आप हाईलाइट करेंगे, राइट। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 में बारी आती है ब्लश की, ठीक है। ब्लश का शेड आप अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे तो जो एक नॉर्मल में शेड आपको बता देती हूँ, जो एकदम डीप पिंक वाला शेड है, अगर आप वो यूज़ करते हैं, ब्लशर का इस्तेमाल करते हैं उस शेड का, देन डेफिनेटली आपको जो है काफ़ी अच्छा वर्क मिलेगा, ठीक है। ब्लशर जो है अगर आपको लगाना नहीं आता है तो ज़रूर से मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स देखें और चेकआउट करें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आता है स्टेप नंबर 8, दैट इज हाइलाइटिंग, ठीक है। सो आपको अपने जितने भी चीज़ों को हाईलाइट करना है, जितने भी आपको लाइक अपने एरियाज को हाईलाइट करना है, जो भी हाईलाइटिंग एरियाज होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा ये हो गया चीक बोन्स, ठीक है, बिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन, फोरहेड, ठीक है। सो ये कुछ एरियाज होते हैं हाईलाइटिंग एरियाज, आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है, और हाईलाइटिंग भर के नहीं करनी है, ठीक है, कम करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है, ब्लेंड प्रॉपरली करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर 9 में बारी आती है आई शेडो की, ठीक है। सो आई शेडोज जब भी आप अप्लाई करें तो ब्लेंडिंग पे हमेशा ध्यान दें। बहुत से लोग लाइंस क्रिएट कर देते हैं, तो लाइंस पे ना जाके ब्लेंडिंग पे जाएं। जितनी ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतनी ज़्यादा अच्छा आपका आई लुक बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। सो वो स्टेप है हमारा कॉम्पैक्ट का। सो कॉम्पैक्ट आप किस तरह से लगा सकते हैं, कॉम्पैक्ट जब भी आप करेंगे फाउंडेशन के बाद आपको कॉम्पैक्ट अप्लाई करना होता है, ठीक है। सो कॉम्पैक्ट आप जब भी यूज़ करेंगे आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लगाने की कोशिश करें, सो दैट कि आपका मेकअप काफ़ी लंबे समय तक टिके। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं हमारी बहुत ड्राई स्किन है, हम इतना कॉम्पैक्ट नहीं लगाना चाहते, तो आप सिर्फ ब्रशेस का इस्तेमाल करें और कॉम्पैक्ट को अप्लाई करें, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक से 10 स्टेप्स थे। अगर आप इन स्टेप्स का ध्यान रखते हैं और अपने मेकअप ट्यूटोरियल में, अपने मेकअप के अंदर इंक्लूड करते हैं इन सब बातों का ध्यान रखकर मेकअप करेंगे, तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लॉलेस लगेगा, ठीक है, बहुत खूबसूरत लगने वाले हैं अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं। सो ज़रूर से मेरे टिप्स को फॉलो करें, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय, बाय।